हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक नए धमाकेदार वीडियो में। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद करो, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। देखिए, जो मसीह यह सोचते हैं कि मैंने पाप किया और यीशु ने मुझे नहीं देखा, आँख खोल कर इस वीडियो को ध्यान से देख लेना कि मैंने पाप किया और यीशु ने मुझे नहीं देखा है। अय्यूब की पुस्तक 34:21-22 में लिखा हुआ है, क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें। आप चाहे टीलों पर करो या अंधियारे में छिपकर पाप करो, ऐसा कोई मनुष्य अनर्थ काम करने वाला नहीं है जो छिप सके। सबों उपदेशक 12:14 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का न्याय करेगा, चाहे भली हो चाहे बुरी, सबका न्याय करेगा। चाहे गुप्त में पाप करो चाहे खुले में, अक्सर देखा जाए गुप्त में ज़्यादा पाप होते हैं, क्योंकि परमेश्वर सभी गुप्त बातों का न्याय करेगा। तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हर एक मनुष्य परमेश्वर के सामने अपना अपना लेखा देंगे। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न होगा तो जहाँ धनवान अभी भी मौजूद है वहीं आपको डाल दिया जाएगा। तब आपके सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए सभी से बताया जाता है कि पाप मत करो, मगर वह मनुष्य शारीरिक अभिलाषाओं में फंसकर खींचकर पाप कर देता है। तब शैतान खुश हो जाता है और परमेश्वर का सिर लज्जित हो जाता है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है, पाप करके उसे शोकित मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों में पैरों में कीले ठुकवाई हैं हमारे और आपके पापों के लिए। कब तक पाप करते रहोगे? कब तक शैतान को खुश करते रहोगे? कब तक यीशु का दिल दुखाते रहोगे? याद रखना, जिस रीति से आप अपने मोबाइल में गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर मसीह विरोधी के दिन में आपको नंगा ही करेगा और आग में नंगा ही डालेगा। तब आपके दिमाग की सारी गर्मी निकल जाएगी। जब सैनिक लोग यीशु के सिर पर सरकंडे मारते थे और उसे कहते थे, बोल भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा? इतनी बेइज्जती सहा यीशु ने, इतना दर्द सहा हमारे और आपके पापों के लिए। उसने अपने सिर पर कांटों का मुकुट खुशी रखवा लिया हमारे और आपके पापों के लिए। जरा सोचो मेरे भाई, सोचो, परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, 30 साल की आयु में उसने दुख तकलीफ में गुजार दिया। जब परमेश्वर न्याय करेगा स्वर्ग सिंहासन के सामने, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो उसे स्वर्गदूत अनंत काल की आग में डाल देंगे। ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला वही आपको बताया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 20:14-15 में लिखा हुआ है, और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला हुआ आग की झील में डाला गया। अगर आप इसी तरह पाप करते जा रहे हो, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न होगा तो उसे स्वर्गदूत घसीट कर खींच तान कर नर्क में डाल देंगे, और एक बार उस नर्क में चले गए तो हमेशा के लिए गए। इसलिए समय रहते हुए यीशु के पास लौट आओ, क्योंकि वह झील छोटी मोटी नहीं होगी, बहुत बड़ी झील होगी। करोड़ों आत्माएं उसमें तड़पती होंगी उस ज्वाला में। जरा सोचो, जब यहाँ की आग बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो वहाँ की आग कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? सुधर जाओ मेरे भाई और बहनों, वीडियो में बता रहा हूँ, छोड़ दो ये गंदी लतें हमेशा के लिए और ले लो अनंत जीवन जो यीशु ने देने का वादा किया, और लिखवा लो अपना नाम जीवन की पुस्तक में। रोते गिड़गिड़ाते हुए यीशु से माफ़ी मांग लो, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। वह किसी को ज़बरदस्ती नर्क में डालना नहीं चाहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। जरा सोचो, अगर अचानक किसी दिन आपकी मृत्यु हो गई तो आपको हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाना पड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर हर एक दिन दिखाता है कि मेरे बेटे बेटियाँ अपने पापों से मन फिरा लें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। सबको मन फिराने का अवसर दिया जाए और सब विश्वास पाके उद्धार पाएं और स्वर्ग जाएं और अनंत काल का जीवन पाएं। अभी संभल जाओ, क्योंकि वचन कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है। मत्ती की पुस्तक 5:27 से लेकर 30 तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि वह विचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि यदि कोई मनुष्य किसी स्त्री पर दृष्टि डाले, वह अपने मन में उसे विचार कर चुका
यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। दाहिनिया का मतलब है गलत वीडियोस देखना, किसी लड़की या किसी स्त्री पर गंदी दृष्टि डालना। गंदी दृष्टि डालोगे तो उसे अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुके, अपने मन में उसकी अभिलाषा करोगे तो गलत सोचोगे तो तुम उससे व्यभिचार कर चुके, आंखों से व्यभिचार कर चुके। और यह दाहिना हाथ का मतलब है हस्तमैथुन करना। परमेश्वर न आँख निकालने के लिए और न हाथ काटने के लिए नहीं कहता है, इसलिए तुम अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात विचार, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इन्हीं ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप अज्ञान ना मानने वालों पर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पाप में गिराती है तो उसे अभी छोड़ दो, और फोन ही मुझे पाप में गिराता है तो उसे कम यूज करो। परमेश्वर के मंदिर को नष्ट मत करो वरना परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। परमेश्वर के साथ स्वर्ग वही लोग जाएंगे जो पवित्र होंगे, परमेश्वर का भय मानते होंगे, वही लोग स्वर्ग उठाए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर अब दोबारा कचरा बटोर कर स्वर्ग नहीं ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर शैतान को स्वर्ग से नीचे गिराकर स्वर्ग का कचरा साफ किया है, और अब दोबारा कचरा बटोर कर परमेश्वर स्वर्ग नहीं ले जाएगा। जैसे रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है 8:6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न तो हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, यानी जो शरीर के अनुसार दिन काटते हैं, पाप करते हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। साफ साफ वचन में लिखा है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, साफ साफ लिखा है। प्रकाशित वाक्य 8 में लिखा हुआ है, पर डरपोको और अविश्वासियों जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पुंज को और सब झूठों का भाग उस झेल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो उसे स्वर्गदूत खींच तान कर नरक में फेंक देंगे।